रुपए की बचत हो गई है। बचत की बचत बचत। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। बड़ा ही फ्रेश फ्रेश सा और बढ़िया मौसम हो रहा है और हम भी काफी फ्रेश फील कर रहे हैं। काफी दिन के बाद मेरा 4-5 दिन का वर्कआउट छूट गया तो वापस से मैंने शुरू कर दिया है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और स्पेशली इस टाइम मौसम्मी बहुत ज्यादा मार्केट में है, तो मैंने इनसे बोला है कि मौसम्मी लाने के लिए, तो आज ये जा करके मंडी पूरी बोरी हमने कहा मौसम्मी लाएंगे, तो हम लोग खूब मजे से खूब जूस पीने वाले, सुबह शाम जूस पियेंगे पूरा बोरी। बट मौसम्मी के पहले मौसम्मी का जूसर आ गया, जो हमारा जूसर है ना उसमें सिट्रस वाले जूसेस नहीं निकल पाते हैं, तो उसमें क्या होगा, जूस तो निकल जाएगा बट जो बीज होती है वो भी दब जाती है, तो वो कसैला पन आ जाता है। तो हमने एक नया जूसर अभी लेकर के आए हैं। वैसे हम अमेजोन से मंगाने वाले थे, ये सेम जूसर अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप हमारा स्टोर फ्रंट लिंक अगर चेक करेंगे तो आप वहां देख सकते हैं, बट हमने इसको मार्केट से खरीदा है, आपको दिखाते हैं। वाह क्या है, पहले सैनिटाइजर यूज करो उसको। हाँ कोरोना है, सैनिटाइज करो। ऑलरेडी सैनिटाइज हो चुका है बट आरव को भी ये हैबिट डलाने के लिए, इसलिए गुड बॉय गुड बॉय। क्या आया, लेट अस ओपन इट। अब ये दुल्हन को कैसे देखना चाहोगी, क्यों दिखाई। वाह बसंत बसंत बसंत, ये हैंड प्रेस जूसर है। कितने का मिला ये, ऐसे 2460 रुपए का है लेकिन 1950 रुपए का मिला। बट अमेजोन पे नहीं, अमेजोन की इसकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी मंदर जो 1350 रुपए का अमेजोन पे है, जो रियल टाइम या किसी का है उसका जो चीजें हैं, पतले पतले अभी दिखाता हूँ, वो भी था क्या उसके। हाँ और ये भी अमेजोन पे है जिसकी अमेजोन प्राइस 1980 रुपए है और ये 1950 रुपए। 30 रुपए की बचत हो गई है, बचत की बचत, बचत 30 की बचत, 30 रुपए की ऐसा जूस पिए की ये कोरोना नहीं बनेगा इसमें। और ये इसकी हैंडल देखो सब, इसकी हाई क्वालिटी, उसमें उसकी सब पतले हैं, ये सब छोटे हैं और ये हाई भी ज्यादा है। मौसम्मी कब आएगा, मौसम्मी आएगा सुबह मंडी से लिया, अभी सुबह ही हो रही जाइए। अरे तो अब जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ चाय वो पिला दो, उसके बाद जा रहे हैं मुंडेरा मंडी। मुंडेरा बहुत बड़ी मंडी है, वहाँ बोरियां ही बोरियां है, ले आते हैं बोरी भर के पिलाएंगे तुम, इसे चमकने लगो लाइट ऑफ हो जाए तब भी तुम। अच्छा लग रहा है भैया की एंगेजमेंट में आप ही चमकने वाले हैं। और विटामिन सी ऐसे भी समय बहुत फायदेमंद है, इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर है और नेचुरल विटामिन सी का जो स्रोत। बसंत बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में ये आ गया है मौसम्मी मंडी। मुंडेरा मंडी से 20 किलो की बोरी है, 700 रुपए की है यह। अब चलते हैं, खूब जूस पीजिए, विटामिन सी इसमें खूब मिलेगा। अरब सिंह गुड मॉर्निंग, क्या खा रहे हो। टॉफी, टॉफी, मम्मी ने मीठा बंद कर दिया तो मम्मी की टॉफी अरब सिंह गड़प लिए हैं। क्यों, पहले मम्मी खाती थी। नहीं, अरब खाता था क्या। ये देखो क्या आया है, देखो क्या आई है, एप्पल है। मौसम्मी मौसम्मी अमोसेसी, और इसकी क्वालिटी तो देख सकते हैं आप लोग, एकदम बहुत बड़ा बड़ा आप देखते हैं जूस कितना अच्छा निकलता है। तो विटामिन सी लेने के लिए एकदम इसमें तो विटामिन सी मिलेगा, तो सुबह सुबह एक गिलास पीजिए, शाम को एक गिलास पीजिए, दवा के पीजिए और इम्यूनिटी बूस्ट। देखने में तो ये बड़े 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 लग रहे हैं, अब इसको जूस बनाया जाए तो पता चलेगी छोटन गंभीर घाव करते हैं कि बड़े गंभीर घाव करते हैं। तो बड़े में रस है कि छोटों में रस है, क्यों छोटन गंभीर कि बड़न गंभीर। नहीं छोटा गंभीर है, ये अच्छा। ये सबसे ज्यादा रस है, रसीला है, ये भी कड़ा। अभी यहाँ चल रहा ये मौसम्मी आ गई है मार्केट में,
बड़ा फ्रेश फ्रेश रहता है, मंडी से जो आते हैं उसकी बात अलग होती है। और ये अब ये चला जूस निकलने की तैयारी। वाह, दम लग रहा है? नहीं, हो तो गया, आ जाएगा नीचे। नीचे भी आता है क्या? हमें तो लगता है इतना ही। तो हाँ, तो ये एकदम हाँ निकला कुछ? निकल गया पूरा। वाह, दिखाओ। अच्छा, ये देखिए। क्या बात, आराम है? तो भाई उसमें भी आराम था, लेकिन उसमें वही बीज वाला प्रॉब्लम थोड़ा हो जा रहा था। पुराने वाले जूसर को आप मजाक दिए थे। ये निकला जूस वाले। ये उल्टा हो गया, ये लग रहा कि ऐसे जा रहा नीचे। सही है? हाँ सही है। तो वो है ना, बड़ी है ना मौसम में। अरे हमें लगता है कहीं मसक दे। हाँ, अभी पटर निकल के इनके हाथ में बहुत चीजें हैं। भूल गया, जूस हो गया तैयार फ्रेश। ये निकाला जाए फ्रेशली स्क्वीज्ड जूस। वेरी गुड। पी लिया जाए फिर बताया जाए कि इससे कितना स्वादिष्ट निकला। कितना स्वाद तो मौसमी का है, जूसर का थोड़ी ना स्वाद है। अरे वो जो सीड है उसमें घुस गया था। सीड है ही नहीं। हाँ, एक दिन तो पिए थे ऐसा कि पहला जो हमारा ओरिजिनल जो फूड प्रोसेसर वाला जूसर है उससे सही निकला था, जिसको कि जिस दिन ये निकला, अरे मैंने कुछ नहीं किया, एकदम दबा दिए कि वो खराब हो गया, इसको बनवा लेंगे। और जो हमारा पुराना जूसर है वो अनार का जूस या तो ये सब क्या, ये सब कैरेट चुकंदर ये सब के जूस के लिए होता है। और उसमें उसको हमने बना दिया था, तो उसने बीज को भी ग्राइंड कर दिया था, एकदम कचैला हो गया था। तो पी भी गए थे, मैंने तो नहीं पिया, बट इस वजह से ये लेके आया गया है ताकि लाइट ना भी रहे तो भी जूस मिलता रहे। लाइट ना रहे तब भी कोरोना को मात देती रहे हम लोग। ये जूस तैयार है, पीजिए बताइए। मजा आ गया वो सीड वाला जो रहता था जिसे गिनगिना गया, हम तो पी गए थे। हम तो नहीं पिए। कभी कभी लगता है ना कड़वा चीज फायदेमंद होता है, इसलिए पी गए। ऐसा नहीं है, ओरिजिनल टेस्ट है इसका, एकदम टेस्ट बहुत बढ़िया है। सक्सेसफुल। अलग अलग तरह के जूसर का रिव्यू दीजिए फिर। अब देंगे जल्दी, ये लाते हैं, बताते हैं किसमें क्या क्वालिटी, किसमें क्या क्वालिटी। पांच तो जूसर है आपके पास, पांच जूसर का जल्दी ही आप लोगों के लिए आएगा और फायदेमंद भी है। और वीडियो को फॉलो जरूर करें और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आए, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जूस कैसे पाएंगे? क्या चाहिए? ब्लॉक्स। हाँ। ये क्या लियो, सैनिटाइज करोगे क्या? हाँ। पापा प्लीज ब्लॉक्स दे दीजिए, प्लीज। वाओ, एक्साइटेड? यस। बल्ले बल्ले कर जरा। बल्ले बल्ले। ओके चले। वेट, पहले लाओ सैनिटाइज करें। ये आ गया आरोसिंग का बॉक्स, पहले इसको थोड़ा बोलो। थैंक यू मॉम, बोले नहीं बताओ, बोलो। और डैडी को थैंक यू कौन कहेगा? थैंक यू डैडी सो मच। गुड गर्ल।
अच्छी बना। फाइनली घर तैयार हो गया यार सिंकर। अब आज हम डबल स्टोरी का पूजन करने के बाद ये अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों आ रहा जाओ सिम जाओगे? मम्मा सुंदर बनाई है। वाह अभी अभी फिर कुछ पेड़ ले आए हैं। अब प्लांट हम लोगों को भी शौक हो गया। शौक हो गया कितना भर दिया जाएगा एकदम चारों तरफ हरियाली हो जाए। अभी दो रेखा पाम और तुलसी, बहुत दिन से मम्मी की इच्छा थी कि तुलसी के पेड़, 5 साल के बाद आज तुलसी जी का आगमन घर में हो गया है। और साउथ इंडियन जब डिश बनता है तो करी नीम का भी 5 साल से डिमांड था, 6वां साल चल रहा है करी नीम करी नीम करी नीम। लेकिन जब समय आता है तभी सब चीजें आती हैं। अब करी नीम का भी आ गया है थोड़ा। अब ये सब बालकनी के लिए हैं, घर के लिए तो पहले से लाया गया था। आप लोगों को बताया गया था, अभी गया था वहीं जहाँ पर बड़ी सी नर्सरी थी। बहुत बहुत बड़े पेड़, अच्छे अच्छे पेड़ हैं। इस बार गमले थोड़े बड़े आए हैं क्योंकि बालकनी में बड़े पेड़ रहेंगे तो बड़े बड़े पेड़ होंगे। इसमें पानी दिया, 2 पेड़ ले आए हैं। जो अंदर के पेड़ थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं उसे मिट्टी और खाद ले आए हैं। अब चलते हैं छत पे, इसको प्रॉपर मिलाते हैं और उसमें अब हम भी प्लांट लगाते हैं क्योंकि अभी तक तो वहाँ से लगवा के ले आए थे। अब चल रहे हैं लगाने। और कुछ गमलों में थोड़ी सी खाद मिट्टी की जरूरत महसूस हो रही है। जो बात घर के अंदर जो रेखा पाम है उनमें थोड़ी सी मिट्टी देंगे। और ये सब बड़े बड़े हैं तो चलिए आप लोग दिखाते हैं। धीरे धीरे और भी पेड़ लाने के हैं, कुछ और वैरायटी के अलग पेड़ लाते हैं। 2 और वैरायटी के पेड़ लाए हैं, अभी उसका भी दिखाया जाएगा। तो थोड़ी सी सबसे बड़ी खुशी बात की 5 साल बाद तुलसी जी का आगमन हो चुका है। तो ये देखिए थोड़े गमले यहाँ के बड़े हैं, नीचे प्लेट है, अगर पानी उनी उसमें से आता है तो थोड़ा गंदगी कम होगी। और ये रेखा पाम लहरा रहा है। और ये पौधों की खासियत ये है कि इसकी ऑक्सीजन खूब देते हैं, इसलिए घरों के अंदर घरों के बाहर मोस्टली लोग लगाते हैं। थोड़े महंगे आते हैं लेकिन ये है कि पेड़ ऐसे लगाइए जो इको पेड़, मतलब हरियाली भी हो और देखने में भी अच्छा हो और ऑक्सीजन भी मिले जिससे एनवायरमेंट अच्छा शुद्ध रहे। ये है साउथ इंडियन के, जब आप लुप्त उठाते हैं तो कड़ी पेड़ बहुत मिस किया जाता है। तो इसलिए ये कड़ी पेड़ के पत्ता लग गया है। अब इसको अब बनाते हैं सांभर पोहा तो उसमें काम आएगा। तुलसी, तुलसी जी हम लोगों के हिंदू धर्म की सबसे मान्यता बहुत ज़्यादा है, इसकी पूजा होती है। और इसके साथ साथ इसके इतने फायदे हैं आप लोगों को पता होगा। तो इस समय तुलसी के पत्ते चाय में डाल के पीजिए, काढ़ा बनाइए उसमें तुलसी का पत्ता। हिंदू धर्म में तुलसी की बहुत मान्यता है लेकिन इसके फायदे हैं। तो हमारे जमाने, हमारे पूर्वजों के जमाने में जो भी प्लांट के घरों में रखे हुए मान्यता होती थी उसमें कुछ फायदे होते थे। इसलिए वो भगवान के नाम पे, जिसे समझो भी जिसके नाम पे वो मान्य होता है कि तुलसी जी हैं। तो क्योंकि इसमें काढ़े में डालिए फायदा। आजकल तो कोरोना के समय में इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो चाय में डालिए, काढ़े में डालिए, तुलसी बहुत फायदेमंद है। और घर का वातावरण भी शुद्ध बनाता है, पूजा कर के लिए भी सब सही है। तो ये सब ला के बहुत खुशी हुई। अब चलते हैं, थोड़ा सा प्यास लगी है, पानी पीते हैं, कुछ खाते हैं, पेट पूजा, उसके बाद फिर कोई काम दूजा। बाय। ये पेड़ है, इन्हीं पेड़ का अभी गमलों में सेट किया जाएगा। ये लाए हैं, अब खुद से हम लगाएंगे। देखिए कितने सुंदर इनके ये कलर, इसके पहले हरा निकलेगा, अब इसमें कलर चेंज होंगे, फिर ये करली हो जाएगा। इसकी भी क्वालिटी ऐसे ही बहुत अच्छा है, देखने में भी प्यारा लग रहा है। सबसे ज़्यादा तो ये देखिए इसके हरे पत्ते हैं, फिर ये चेंज होते रहते हैं, इसे कलर चेंज होते रहते हैं। थोड़े कॉस्टली हैं लेकिन देखने में अच्छा होता है। घर पे सहायक रूम में तुम भी आ जाओ। अभी हम पूरे झाड़ू पोछा करके थक गए हैं। काम भाई, हम काम वाली भाई थे जब शहर में, ये सब आके गाइड ग्रुप यही सब फैशन है क्या प्लांटेशन।
निकल के सफल हो जाएगा। तो आनंद आ रहा है। अरे ये तो आनंद है, मेहनत। एक पेड़ लगाने में आनंद है। एक पेड़ पुत्र की तरह होते हैं। पहले हमारे घर में कोई पेड़ वेड़ नहीं होते थे। पेड़ों के ना खजाना हो जाएगा। अरे कैसा लग रहा है, सारे प्लांट्स आ गए हैं। अच्छा है। ये तो पूरे खाद में ही है। साथ अरब भी लग गए हैं। क्यों अरब प्लांट लगा रहे हो? बार बार हाथ चेक हो रहा है कि गंदा तो नहीं हो गया है। प्लांट्स रेडी हो गए, अब पानी दिया जा रहा है। आ रहा हाँ? देना। ओके।